वहीं 18वीं लोकसभा का पहला दिन सांसदों के शपथ ग्रहण के नाम रहा। नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई गई। 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा और 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही लवली आनंद के जेडीयू लोकसभा सांसद बनने के बाद उनके द्वारा किन मुद्दों पर काम किया जाएगा, साथ ही नीट परीक्षा में हुई धांधली पर जेडीयू का पक्ष रखते हुए संवाददाता शुभ सेठ ने खास बातचीत की। तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। लोकसभा सांसद लवली आनंद जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और अमित शाह जो है संविधान को खत्म करने पे लगे हुए हैं, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल कोई संविधान खतरे में नहीं है, नहीं कोई खत्म कर रहे हैं। देश को उन्होंने आगे बढ़ाया है और भी आगे बढ़ाए हैं और मजबूती से एनडीए साथ में है। हम लोग जो है सभी लोग एनडीए साथ में है। डबल इंजन की सरकार है, डबल काम होगा। और बौखलाहट उनको है जिनका लगता है जो मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं, हसीन सपना, वो देखते रह जाएं, उनके हाथ में नहीं आने वाला है सत्ता। विपक्ष वाला मैं सेलेक्ट करना चाहूंगा, नीट परीक्षा में जो धांधली को लेके लगातार देश भर में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, विपक्ष इस पे लगातार सवाल उठा रहा है। देखिए, जो नीट वाला में धांधली हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण है। छात्र के भविष्य के साथ कभी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इसमें सरकार खुद एनडीए सरकार संज्ञान ले रही है। भ्रष्टाचारी को जेल भेजा जा रहा है और इसमें पूरा जांच हो रहा है ईमानदारी से। आप देखिए कि जांच कमेटी भी बना है और निलंबित भी किया गया है इसमें जो उच्च पदाधिकारी थे। तो ये सब कुछ तो हो रहा है और इसमें किसके पीए का नाम आ रहा है देखिए तो आप, जो विपक्ष में है बिहार में उसके पीए का नाम आ रहा है। ये तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और वही लोग हल्ला कर रहा है जिसके पीए का नाम इसमें है धांधली वाला में। तो हम लोग भी तो इसमें तो है सरकार, तो यहाँ शिक्षा मंत्री भी ईमानदारी से इसमें जांच करा रहे हैं और जल्दी से जल्दी इस पे सख्त सजा होगी। जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि छात्र के भविष्य का सवाल है और दोबारा कोई इस तरह की धांधली ना हो, यही हम लोग भी चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। लोकसभा सांसद लवली आनंद जी, एमके न्यूज के दिल्ली से शुभ सेठ।